हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए कोई ब्लॉग नहीं लाई हूँ, मैं लाई हूँ आज आपके लिए ऐसे लड्डू जो कि 5 मिनट में बन के तैयार हो जाते हैं और आपके बच्चों को बहुत पसंद होते हैं ये लड्डू। मार्केट में मिलते तो हैं पर मार्केट में शुद्धता नहीं होती है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाते हैं इन्हें। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए, सिर्फ जो लाई होती है, इनको मुरमुरा भी कहते हैं, लाई भी कहते हैं और हमारे इनको छिड़वा भी कहते हैं, तो ये चाहिए और गुड़ चाहिए हमें। तो जिससे हमने ये गुड़ लिया है, 1 कटोरी गुड़ है, तो इससे ही 3 कटोरी हमने लाई ली है। इसका मेज़रमेंट 1/3 का होता है, तो यानी 3 कटोरी चिड़वा और 1 कटोरी गुड़, उसी कटोरी से मैंने नापा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कढ़ाई रखते हैं गैस पे और उसमें डालते हैं ये मुरमुरा जो है इनको। तो थोड़ा सा इनको हमें फ्राई करना है, भूनना है इनको, जिससे कि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए, सीले सीले से ना रहें, क्योंकि ये सीले बनेंगे तो हमारे जो लड्डू है ना वो भी सीले सीले से बनेंगे। तो ये सबसे पहला काम है। तो इसको हमें 1 से 2 मिनट भूनना है बस, ज़्यादा नहीं, जलाना नहीं है और गैस को सिम रखना है हमें बिल्कुल, और इसको मतलब लगातार चलाते हुए जले ना नीचे से, इनको हमें फ्राई कर लेना है चिड़वों को। सॉरी, मैं चिड़वाई बोल रही हूँ, मेरे यहाँ चिड़वाई बोलते हैं इनको, वैसे इनको मुरमुरा या लाई भी कहते हैं, मुरमुरा भी कहते हैं हम लोग। तो ये देख लीजिए इस तरह से हो जाना चाहिए ये। तो ये हमारे फाइनली भुन चुके हैं, अच्छे से हमने इनको सेक लिया है तो, और इनको हम निकाल लेते हैं, ये पहला काम है। और गाइस, इसको सिर्फ 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है लड्डुओं को। जब भी बच्चों का आपका मन करे तो आप इनको बना के बच्चों को तुरंत के तुरंत दे सकते हो। और सर्दियों की चीज़ है, वैसे तो हम इन्हें संक्रांति पे और लोहड़ी वगैरह पे बनाते हैं, बट इसका इंतज़ार क्या करना। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 1.5 चम्मच के करीब घी लिया है। घी हमने इसलिए डाला है, वैसे ज़रूरी नहीं है घी डालना, जिससे कि लड्डुओं में शाइनिंग आती है घी से और थोड़ा टेस्ट भी बढ़ जाता है। वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें घी डालो, ये 2 ही इंग्रेडिएंट काफ़ी हैं इनको बनाने के लिए। तो हम जो गुड़ हमने लिया है इसको हम डाल देंगे, गैस को हमें सिम ही रखना है बिल्कुल, क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जल जाता है, जले ना। ये देखिए मैंने इतनी डाला ना तो थोड़ा सा नीचे लगने लग गया, तो मैंने गैस को बहुत सिम किया है। और जब तक हम इसको मतलब चलाते चलाते तो हमें लगातार रहना ही है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत जल्दी जल जाता है ये, तो इसको चलाते रहना है, गुड़ हमारा पिघलने लग जाएगा अपने आप। ये देखिए धीरे धीरे जल्दी हो जाए पिघल जाता है, और आप इसको और भी बारीक कर सकते हो गुड़ को, तो और जल्दी बन जाएगा। तो सर्दियों में ये लड्डू आपको आप मतलब खा सकते हो, बहुत फ़ायदा करते हैं। गुड़ तो वैसे भी हम लोगों को बहुत फ़ायदा करता है, चीनी से ज़्यादा गुड़ फ़ायदा करता है, नुकसान भी नहीं करता, फैट भी नहीं बढ़ाता, तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो ये लड्डू, और मीठे का आप शौकीन है मेरी तरह, तो ये लड्डू आप ट्राई कर सकते हो। तो ये देखिए इसको हमें धीरे धीरे चलाते रहना है, चलाते रहना है। तो अब इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसको हम पता कैसे करें कि अब तैयार है लड्डू बनाने के लिए, इसकी चाशनी हमें कितनी बनानी है, कितना हमें इसको और पकाना है गुड़ को। तो ये आपको मैं बताती हूँ, अगर आपको लड्डू सॉफ्ट रखना है तो आप इसी स्टेज पे चिड़वों को डाल दीजिए जो लाई है, और अगर तुम्हें बाजार जैसे चाहिए तो ये देखिए आप देख सकते हो गुड़ का जो कलर चेंज होने लगा है, ये देखिए कलर चेंज होने लगा है और बबल जैसे साइड में आप देख रहे हो ना, इस तरह से होने लगेगा, ये देखिए, और कलर भी गुड़ का बिल्कुल चेंज हो गया है, जो पहले था वो नहीं है। और ये देखिए आप देख सकते हो बबल जैसे हो रहे हैं ना साइडों से, तो और ये एक तरीका ये है कि हम इसको इसमें डाल के पानी में, और ये देखिए गोली बनने लगे अच्छे से इस तरह से, तो आप इसको समझो हो गया। अब हमें गैस को कर देना है बंद यहीं पे, बिल्कुल गैस को चालू नहीं रखना है, बंद कर देना है, और इसी टाइम पे हमें ये मुरमुरा को डाल देना है इसमें, ठीक है। और इसको लगातार चलाते रहिए, इतने अच्छे से चलाते रहिए, यहाँ हमें अपने हाथों को तेज़ करना होगा, अपनी मतलब स्पीड बढ़ानी होगी, कि जैसे कि ऐसा ना हो कि चाशनी एकदम जम जाए और चिड़वों में नहीं मिल पाए। तो ये हमारे मुरमुरा और गुड़ को चाशनी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, मिलाते हुए, जिससे कि दोनों आपस में मिक्स हो जाएं, ऐसा ना लगे कि चावलों उस पर सॉरी मुरमुरे पे चढ़ी नहीं है चाशनी। तो इस तरह से अच्छे से मिला लीजिए इसको जल्दी जल्दी से, और ये देखिए इस तरह से पूरे अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिए। और इन्हें हमें फटाफट से लड्डू बनाना है इनका, क्योंकि अगर हम देर करेंगे तो ये मतलब जम जाएंगी चाशनी, क्योंकि हमें एकदम कड़क वाले लड्डू चाहिए ना, जो बाजार जैसे होते हैं बिल्कुल वैसे वाले, तो इसलिए हमें
इसको ऐसे जल्दी ही बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिया है पानी, तो पानी का हाथ लगाएंगे और ये लड्डू बनाएंगे, क्योंकि चाशनी गर्म है और गर्म गर्म में ही हम ये लड्डू बना सकते हैं, ठंडे पर ये नहीं बन पाएंगे। फिर ये देखिए इस तरह से पानी ले लीजिए थोड़ा सा हाथ में, और लड्डुओं को दबा दबा के अच्छे से दबा के, और गोल जो साइज़ होता है वो दे दीजिए लड्डुओं में। बनते तो बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी, देखिए ये बन गया है आपका लड्डू बिल्कुल। और ये देखिए फटाफट फटाफट से आप हम लड्डू बना लेते हैं, और फ्रेंड्स ये बिल्कुल ऐसे ही बनते हैं जैसे मार्केट वाले होते हैं। और मार्केट वालों में भाई मैं तो नहीं कहती, मेरे राघव को बहुत ज़्यादा पसंद है, वो ही मतलब ज़िद कर रहा था कई दिन से लड्डुओं के लिए, पर मैं मार्केट से नहीं ला रही थी क्योंकि उसमें धूल मिट्टी मुझे नहीं समझ में आता, तो मैं ज़्यादातर सोचती हूँ कि बच्चों को घर पे ही बना के खिलाऊं, तो ये बहुत तो जल्दी बन जाता है। मैं तो कई बार बना के बच्चों को सर्दियों में खिला चुकी हूँ, इनको भी सर्दियाँ ढंग से शुरू भी नहीं हुई हैं। इस बहाने से बच्चे मतलब गुड़ भी हमारे खा लेते हैं, वैसे गुड़ नहीं खाते बच्चे, और गुड़ सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है, बहुत ज़्यादा। तो देखिए मैं लड्डू इस तरह से सारे बना लूँगी, तो ये देखिए लड्डू मेरे बन चुके हैं, और कितना अच्छा लड्डू बना है, ये देखिए कितना मतलब कड़क आवाज़ आ रही है इसमें से, बिल्कुल मार्केट जैसा लड्डू बना है। और प्लीज़ अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।